गुना जिले में नशा मुक्ति पर 365 दिन काम करने वाली संस्था मन के मुख्य कंसल्टेंट डॉक्टर राजेंद्र सिंह भाटी से नशा की लत लगने एवं छुड़ाने के संबंध में आज हमारी टीम ने की बातचीत। देखिए, नशे को लेकर के दो एस्पेक्ट हैं। पहला है नशा जो लोग कर रहे हैं उनका इलाज, ट्रीटमेंट वाला पार्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है जो नशा नहीं कर रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए, क्योंकि जो नशा नहीं कर रहे हैं वह बहुत बड़ा पार्ट है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमें ट्रीटमेंट के अलावा प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर बहुत ध्यान देना है। और जो आज युवा पीढ़ी हम बैठी हुई थी समारोह में आज के दिन, मैंने उनसे जो बात की है मुख्य रूप से कि हम नशे को कैसे पहचानें और कैसे रोकें। नशा कोई भी हो, सबसे पहले जो हमें ऑफर करता है वो हमारा दोस्त होता है, हमारा जानने वाला होता है, हमारा नज़दीक का आदमी होता है। और जब ऑफर किया जाता है नशा तो यही कहा जाता है कि ले लो एक बार, कुछ नहीं होगा, एक बार लेने से लेके देखो मज़ा आएगा। अगर व्यक्ति बोलता है, कोई एक्सक्यूज़ देता है कि माँ का नाम लेता है, बाप का नाम लेता है, कोई और चीज़ बोलता है, तो व्यक्ति उसका जो दोस्त है उसको उस पर ट्रैप होकर के मजबूर कर देता है स्टार्ट करने के लिए। तो मेरी आज की युवा पीढ़ी से ये रिक्वेस्ट है कि वो ये पहचाने कि कब हमें ना करना है, कब हमें ना बोलना है। और ऐसे मौक़ों पर जब आप जानते हैं कि ये चीज़ ख़राब है, बुरी है, कोई भी कम्युनिकेशन ना करते हुए सीधे आपको ना बोलना है, एक शब्द नो बोलना है और नो बोल के आगे बढ़ जाना है। आज के लोगों को मालूम ही नहीं है कि नशे कितने प्रकार के और किस तरह से चल रहे हैं, किसी भी रूप में, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के सिगरेट से लेकर के हर तरह की चीज़ों में नशा मिलाकर ऑफर किया जाता है। और जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हर तरह की सुविधाएँ, हर तरह के इलाज से नशे को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। निश्चित रूप से नशे को छुड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान व्यक्ति की इच्छा शक्ति, परिवार का सहयोग और उसका इलाज करने वाली टीम के ऊपर है। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसको नशा मुक्त या ज़्यादा से ज़्यादा नशा मुक्त दिन दे पाएंगे। जब आप 2500 साल से, मतलब कम से कम दो दशक से नशे पर काम कर रहे हैं, नशे का जो रूप चेंज हुआ है पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, पहले कुछ अलग टाइप का नशा होता था, आज नशा चेंज हो गया, लोगों को नई नई प्रिस्क्रिप्शन चीज़ें आ रही हैं जो नशे के रूप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयाँ भी बहुत सारी नशे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से अगर हम नशे की बात करें तो स्टार्ट होता है नशे के लिए जो गेटवे है, जो द्वार है, वो है गुटखा, तम्बाकू के रूप में, फिर बीड़ी, सिगरेट, फिर बियर, फिर अल्कोहल, चरस, गांजा, अफीम, भांग, फिर स्मैक, ब्राउन शुगर, बच्चों के अंदर जो इंजर होता है उसको सूंघना, पेट्रोल सूंघना, या जो जो सुलचर होता है उसको सूंघना, वो ले लेते हैं बच्चे, कुछ लोग आजकल है ना ऐसा करते आ रहे हैं। इनके अलावा इंटरनेट की प्रॉब्लम, इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर IED भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको आज के लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। तो हर तरह के नशे आ रहे हैं, और उसमें जो इसके पीछे जो आपने जो बोला है कि चेंज क्यों हो रहा है, तो जो व्यापारी है नशे में बहुत पैसा है, और जो पैसा कमाने वाले नशे के माध्यम से जो पैसा कमा रहे हैं व्यापारी लोग, वो नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, नए एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं कि आदमी की लाइफ में बिना उसकी जानकारी के हम कैसे उसको प्रवेश करा दें, और जब व्यक्ति डिपेंड हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो करेगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये जो नशे हैं स्मैक वगैरह के, ये बहुत महंगे नशे हैं। इनके कारण क्या होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी ही अपना पैसा खर्च कर देता है, और फिर यही नशे की व्यापारी उससे बोलते हैं कि अगर आप हमारे लिए ग्राहक लेके आओगे तो हम आपका डोज फ्री देंगे। तो वो धीरे धीरे इस चैन सिस्टम में आ जाते हैं और नशे का व्यापार करते हैं, और ये उन्हें मालूम ही नहीं है कि नशे के व्यापार कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये तो मैं अपने लिए अरेंज कर रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ी बात है आपके चैनल के माध्यम से मैं जो कहना चाहूँगा टीचर्स को, पेरेंट्स को, कि हम युवा पीढ़ी को कैसे पहचानें। होता क्या है कि हम सोचते हैं नशा हमारे परिवार से दूर है, हमारे बच्चों से दूर है, हमारे बच्चे नशा नहीं कर रहे हैं आज के डेट में, लेकिन वो कब वो नशा हमारे घर की बाउंड्री से हमारे घर के अंदर आ जाए और हमारे बच्चों को लग जाए हमें मालूम ही नहीं पड़ता, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो हमें पहचानना है सबसे पहले कि हमारे बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, बच्चा अनावश्यक रूप से पैसे की डिमांड तो नहीं कर रहा है, बच्चा अनावश्यक रूप से कोई क्या बोलते हैं समय बाहर व्यतीत नहीं कर रहा है, बच्चा घर वालों से कम बात कर रहा है, घर वालों से दूर हो रहा है, बच्चे के व्यवहार में एग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया अचानक से, ये चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं। बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कहीं स्कूल जा रहे हैं, स्कूल को टाइम पर छोड़ के और जा रहे हैं, इस पर कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं, चीज़ों से बात कर सकते हैं। बच्चों की अटेंडेंस चेकिंग, बच्चों के कपड़ों की चेकिंग, बच्चों के बैग की चेकिंग, इसी प्रकार शिक्षकों को भी
स्कूल के अंदर अटेंडेंस चेकिंग करनी चाहिए, जिससे हम अर्ली स्टेज पर इस प्रॉब्लम की रोकथाम कर पाए। फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हैं और पेरेंट्स दोनों काम कर रहे हैं, इन सबके बावजूद भी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है लाइफ में कि हम बच्चों को बड़ा करें, बच्चों को आगे बढ़ाएं, जो हमारा गोल है उसको हमें ध्यान देना है। निश्चित रूप से ध्यान तभी दे पाएंगे। और आजकल की जो पेरेंटिंग है, जो आपने क्वेश्चन उठाया पेरेंटिंग को लेके, तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा विषय है पेरेंटिंग। हमारे जो आजकल के युवा पीढ़ी के जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो समझ नहीं पा रहे पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए। वो अपना जो टाइम व्यतीत करते हैं घर से बाहर और फिर बच्चे के पास पहुँचते हैं, तो ये मिस करते हैं कि हमने बहुत टाइम मिस किया। और फिर उस वक्त वो बच्चे की हर इच्छा को पूरी करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी बच्चे को ये नहीं बोल पाते कि नो कब बोलना है, इस कब बोलना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये सीखें कि कब बच्चे को नो बोलना है, कब बच्चे को यस बोलना है। कई पेरेंट्स बच्चे को आसानी से मोबाइल दिला देते हैं, बहुत कम उम्र में बच्चे को गाड़ी ला देते हैं। हम से अगर बात करें कॉमन टर्म में, तो आता है रिस्क बिहेवियर, फास्ट ड्राइविंग, नशे को एंजॉय करना, वो चीज़ें करना जो कम उम्र में करने की बच्चे के अंदर इच्छा होती है, उनको बढ़ावा देना और उन बच्चों में कानून के नियम के प्रति पालन करने की इच्छा नहीं होना। बहुत से पेरेंट्स जानते हैं कि उनके बच्चों पर लाइसेंस नहीं है, फिर भी गाड़ी दिलाना। बहुत से बच्चे पेरेंट्स जानते हैं कि बच्चों की उम्र नहीं है कि नेट चलाएं, फिर भी उनको नेट की अवेलेबिलिटी देना, पैसे देना और उसका हिसाब नहीं लेना। तो बहुत आवश्यक है कि हम इन सब चीज़ों पर गौर करें कि हमारे बच्चों को अगर हम कुछ चीज़ दे रहे हैं तो हम क्यों दे रहे हैं, और उसकी मॉनिटरिंग करना, ये बहुत आवश्यक है। इंटरनेट ने भी बच्चों की इस पूरी नशे की व्यवस्था पे और हमने उसके जीवन में बहुत प्रभाव डाला है। तो नेट भी एक तरह से पूरी तरह से नशा हो गया लोगों को, उसको डूब गए बच्चे। खेल में भी उस पर जो खेल आ रहे हैं अच्छे, पोगो मोगो जैसे बहुत सारे खेल हैं, इंटरनेट जो है ये अपने आप में एक नशा है। साइंटिफिकली इसको एक नई बीमारी को जो नाम दिया गया, उसका नाम है इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर। इसमें और जुआ खेलना, जो गेम्स हैं वो एक जुए के पार्ट है। आजकल जो गेम्स आ रहे हैं पैसा भी इन्वॉल्व हो गया है, तो ये पैसे के साथ जो गेम हो रहा है, जुआ हो रहा है, ये भी एक नशा है। ये सब चीज़ें नशे के अंदर आती है और ये बहुत आवश्यक है कि कैसे इसको रोका जाए। तो इंटरनेट के माध्यम से ही बच्चा नशा, कई बार क्या होता है कि इंटरनेट ने दुनिया का बहुत छोटा कर दिया। इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया एक छोटा सा घर हो गई है और आपके हाथ में पूरी दुनिया मौजूद है। तो जो व्यक्ति गंदे काम भी कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है, वो भी इंटरनेट में डाल रहा है, और जो व्यक्ति अच्छे काम भी कर रहा है वो भी डाल रहा है इंटरनेट के ऊपर। तो उस माध्यम से बच्चे के अंदर किस टाइप की साइकोलॉजी है, बच्चा किस चीज़ ग्रास्प कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत वास्ट नॉलेज उसे मिल रही है, हर चीज़ उसे मिल रही है एक क्लिक में। तो बहुत आवश्यक है कि हम ये चीज़ों पर पेरेंट्स ध्यान दें कि हमारा बच्चे की इंटरनेट ब्राउजिंग क्या है, इंटरनेट हिस्ट्री क्या है, वो क्या देख रहा है। हिस्ट्री बिता दें तो नहीं, हमें कहीं ना कहीं तो लिमिट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमें अपना टाइम, क्वालिटी टाइम पेरेंट्स को बच्चों को देना पड़ेगा। और ये सुनना नहीं है मुझे, मैं चाहूँगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम आपको जो आप काम कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मन संस्था पिछले कई सालों से लगातार नशा मुक्ति पर काम कर रही है, आपने उसे बहुत दिल से सींचा है, एक अच्छी संस्थान के रूप में डेवलप हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से नशा एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका समाज पे मल्टी डायमेंशनल प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव होता है व्यक्ति की मेडिकल प्रॉब्लम, नशे के कारण होने वाली जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर आता है, खर्चा आता है गवर्नमेंट पर, और उससे सिक्योरिटी को या समाज की जो आर्थिक व्यवस्था उसको लॉस होता है। तो पहला मेडिकल प्रॉब्लम, दूसरा व्यक्ति जो खुद नशा कर रहा है उसकी फाइनेंस प्रॉब्लम, कोई भी नशा फ्री में नहीं मिलता है, हर नशे की कीमत होती है। तीसरा फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। चौथा सामाजिक रूप से प्रॉब्लम, जो नशा करता है समाज में उसकी इज्जत कम होती है। और पाँचवा मेडिको लीगल प्रॉब्लम, नशे के कारण अपराध होते हैं। तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, हर संस्थान है इस प्रॉब्लम के काम किया है कि जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए हम अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और हम उस जगह जाते हैं जहाँ नशा कर रहे हैं, उनके परिवारों को जागरूक करते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि हम सब कुछ कर चुके हैं, एडजस्ट हो चुके हैं, बच्चा नशा नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी हम परिवारों की काउंसलिंग करते हैं कि आप प्रयास करेंगे तो हम उसे दूर ले जा पाएंगे।
और दूसरा प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट वाला पार्ट है जो संस्था हमारी काम कर रही है। हमारे पास हर तरह के नशे के लिए हर तरह का ट्रीटमेंट उपलब्ध है, चाहे वो काउंसलिंग के माध्यम से हो, मशीनों के माध्यम से हो या दवाइयों के माध्यम से हो। धन्यवाद।